देश में पीने के पानी की किल्लत कई जगहों पर देखी जा रही है और ये अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पानी की चोरी रोकने के लिए पुलिस बुलाई जा रही है। हम आपको मध्य प्रदेश के दमोह की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। जी हाँ, दमोह का ये फिल्टर प्लांट है जहां पर पुलिस का पहरा लगा रहता है और पुलिस भी साधारण नहीं बल्कि हथियारबंद पुलिस वाले पानी की सुरक्षा में तैनात हैं। 24 घंटे ये पुलिस वाले यहां पर तैनात रहते हैं। दमोह में पानी की किल्लत है और ये कोई नई बात नहीं है। दशकों से ये इलाका पानी की किल्लत से जूझ रहा है। इस बार भी गर्मी की शुरुआत से ही शहर में पानी की कमी देखी जा रही है। फिल्टर प्लांट पर तैनात नगर पालिका के कर्मचारियों के मुताबिक पेयजल संकट के मद्देनज़र इस जगह पर नगर पालिका के कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई गई है। इस जगह पानी की चोरी और टैंकर लूटने की कई घटनाएं सामने आई हैं। अक्सर कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटनाएं तो होती ही रहती हैं। इस कारण प्रशासन से पुलिस की मांग करके यहां बंदूकधारी पुलिसकर्मी तैनात कराए गए हैं। ताज़ा खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट समय लाइव पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस दिखाएं, लेटेस्ट खबरें दिखाएं, और अगर आपको ये पसंद कुछ आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।